हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रेडमी मोबाइल में इनकमिंग कॉल स्विच ऑफ बता रहा है तो कैसे इसे 100% ठीक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा या सिम कार्ड नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिम वन सिम टू दोनों मिल जाएंगे। जिस सिम में प्रॉब्लम आ रही है उस सिम पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो दोनों सिम में सेटिंग कर सकते हैं सही। तो चलिए हम सिम वन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर लेना कि सिम इनेबल है कि नहीं, चालू है कि नहीं। बंद रहेगी तो यहाँ से चालू कर लेना। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा रोमिंग का, आपको इसे चालू कर देना है। अगर ये चालू होगा तो बंद करके चालू करना है, और ये बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है, टर्न ऑन कर देना है। फिर गाइस, आपको एक्सेस पॉइंट नेम का एक सेटिंग मिलेगा या APN का, तो इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर की साइड दो डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रीसेट एक्सेस पॉइंट। हो सकता है ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नीचे दिया हो, तो जहाँ पर भी मिले आपको इस पर क्लिक करना है और रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद बैक आना है। फिर आपको कैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक कर लेना कि ऑटो सेलेक्ट है कि नहीं है। अगर ये ऑटो सेलेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ से आपको इसे ऑटो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बैक आना है। तो इसी प्रकार आप सिम टू पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है। फिर आपको बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और अब आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, या रिबूट या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद चेक करना कि प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं। अगर फिर भी सही नहीं हुआ रहेगा तो मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है फिर से। फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी एडिशनल सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबसे नीचे बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा और रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करके नेटवर्क को रीसेट करना, फिर चेक करना। फिर भी सही नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे क्लिक करके सिस्टम को रीसेट कर देना, कुछ भी डिलीट नहीं होगा और 100% प्रॉब्लम सही हो जाएगा। फिर आपको देखिए बैक आना है। अगर आपके फ़ोन में सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एडिशनल सेटिंग वाला, तो फिर ऊपर सर्च बार में क्लिक करके अगर आप लिखेंगे रीसेट, तो यहाँ पर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग और रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। फिर गाइस 100% सही हो जाएगा। और गाइस फिर आप कॉल करेंगे तो और इनकमिंग कॉल स्विच ऑफ नहीं बताएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।